दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, बिहार एसआई, एसएससी, बैंक, कई बोर्ड में तो जीडीसी और कई डिवीजन के एलडीसी, बहुत सारी परीक्षाएं होनी है। और उसी में बहुत से लड़के कहते हैं कि हमें पढ़ने की इच्छाएं नहीं होती। ठीक, अब धीरे धीरे मेरा दिल टूटते जा रहा है, मुझे सफलता नहीं मिल रहा है, या बढ़ती उम्र में अब मुझे तरह तरह की चिंताएं होती हैं। आपसे बताना चाहता हूँ दोस्तों, आपसे ये बताना चाहता हूँ कि धावक जब दौड़ता है, 400 मीटर के प्रत्येक चक्कर हो, 1600 मीटर की रेस हो, और धावक जब तीसरे चक्कर में गया हो और वो कहे कि अब हमें काफ़ी थकान हो रही है, पता नहीं मंजिल मिलेगा कि नहीं, हम यहीं से अब छोड़ देते हैं और उसे आलस आने लगे, तो क्या होगा? आप सभी लोग समझ रहे हैं, नतीजा होगा कि वो अपने मंजिल से पीछे चल जाएगा। दोस्तों, अपने मंजिल से पीछे चल जाएगा और जीवन में उसे कभी सफलता ऐसे करते रहे तो जीवन में नहीं मिलेगी। दोस्तों, जब आपकी परीक्षाएं सामने हो, आपका मंजिल सामने देख रहा हो और आप कायरता वाली काम कर रहे हैं, ये कौन सी भलाई है? आपकी परीक्षाएं सामने है, आपकी मंजिल सामने है और आप कायरता वाली काम, कायर के जैसे पीठ मोड़ के भाग जाएंगे कि एक कर्मठ इंसान की तरह लड़ाई लड़ेंगे? जो व्यक्ति कर्मठ के तरह लड़ाई लड़ता है, सफलता केवल उन्हीं की प्राप्त होती है, न कि कायर व्यक्ति को नहीं। बॉर्डर पे गए हैं और बॉर्डर जो हमारी परीक्षाएं हैं वो बॉर्डर ही है, बॉर्डर पे जाके और दुश्मन के सामने पीठ दिखा के भाग चले, क्या वो सफलता है? क्या वो कर्मठ व्यक्ति का काम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और उस व्यक्ति को जो कायर बन गया, जिसकी पानी ही नहीं है, उसको क्या कोई मोटिवेशन करेगा? उसके लिए मोटिवेशन होगा क्या? भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस गेल पगुरा। रहीमन कबीर जी कहते हैं कि बिन पानी न उबरे मोती मानुष चून, मोती मनुष्य और चूना, जिसकी पानी नहीं हो जाती, पानी समाप्त हो जाती है तो वो मोती मनुष्य और चूना, ये तीनों बेकार हो जाते हैं। तो जिसके अंदर पानी हो, समझने की शक्ति हो और उत्साह हो, लग्न हो, उसी को बन पाया जा सकता है, नहीं तो कोई भी मोटिवेशन काम नहीं कर सकते। दोस्तों, ये बात जान। दोस्तों, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारी स्थिति खराब है, हमारी परिस्थिति सही नहीं है, तरह तरह के बाधाएं आ रही हैं। अरे ये जान लो दोस्तों कि नदियां जब चलती हैं तो वो अपने मंजिल तक जाके ही रहती है, बीच में नहीं रुकती, चाहे लाखों बाधाएं आ जाए। नदियां जब चलती हैं तो उसके मार्ग में तरह तरह के पहाड़ आते हैं, पठार आते हैं, झाड़ियाँ आती हैं, कांटे आते हैं, दीवार आते हैं, लेकिन वो भले थोड़ी सी आइट साइड से होती चली जाए, लेकिन वो अपने मंजिल तक जाके ही रहती है, बीच में वो कभी रुकती नहीं। और जो अपने मंजिल पे नहीं जाती है वो गड्ढा कहलाती है, कभी नदियां कहलाने के ख्याल नहीं। दोस्तों, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें जो है बार बार बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिलती। देखिए, सफलता और असफलता बहनी है, सफलता तो उसी को मिलती है जिसको असफलता मिल चुकी है। बड़े बड़े नेताएं चुनाव में लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं, तो क्या वो लड़ना छोड़ देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी इतने पहले से लड़ रहे थे, प्रधानमंत्री नहीं बन रहे थे, तो क्या वो अपने पार्टी छोड़ दिए? क्या लड़ना छोड़ दिए? क्या आज राहुल गांधी बार बार हार रहा है तो क्या मतलब अपने पार्टी से, कांग्रेस पार्टी बार बार हार रही है तो क्या वो चुनाव लड़ना छोड़ देगा? ऐसा नहीं होता है। और जो छोड़ दिया वो हमेशा के लिए अपने जीवन के लक्ष्य को छोड़ दिया, समझिए सीधी सी बात है। कहने का मतलब कि जो बड़े बड़े दंगल लड़ने वाले पहलवान हैं, गामा पहलवान हुए, दारा सिंह हुए, क्या वो शुरू से कभी पटकाए नहीं? ऐसा नहीं होता है। जिसकी हार होती है उसी की जीत होती है। जो दंगल में जाएगा वो हारेगा भी, जीतेगा भी, और जो जाएगा ही नहीं वो क्या हारेगा
हारेगा और क्या जीतेगा। ठीक, आप जान लीजिए कि जब आप अपने लक्ष्य पे अडिग हो जाएंगे, अडिग हो जाएंगे तो आपकी मंजिल मिल कर ही रहेगी। मनुष्य में इतना दम है कि वो लोहे को पानी में पिघला सकता है, और बनना ही है तो मिट्टी तेल नहीं पेट्रोल बनिए, जो पानी भी आए तो पानी में भी आग लगा दे, केवल उसे चिंगारी की जरूरत है, अर्थात परीक्षा के समय की जरूरत है, परीक्षा मिलनी चाहिए। बनना है तो ऐसा पेट्रोल बनिए कि माचिस मिलते ही पानी में भी आग चला दे। दोस्तों, स्थितियां परिस्थितियां अगर बाधक होती तो आज प्रेमचंद महान लेखक नहीं बने हो, जिनकी सौतेली मां इतनी कष्ट से जमीन पे सुला देती थी और कोई नहीं था अपने बदौलत बने, आज वशिष्ठ नारायण कृतज्ञ नहीं होते। कोई स्थिति परिस्थिति नहीं, सब ये सिर्फ आलसी के लिए होता है। कहा गया है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्युदमो समो बंधुर्यो कृत्वा नावसिद्धति। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे महान शत्रु है। उदम के समान कोई बंधु नहीं है परिश्रम के समान, जिसको करने से सदा सुख यानी मंजिल की प्राप्ति होती है। यदि आपने अपने दुश्मन को पास में ही रखा, दुश्मन के गुलाम बन गए आलस का, आलस क्या है, मनुष्य के दुश्मन है, और आप दुश्मन का गुलाम हो गए तो फिर क्या दुश्मन आपको पनपने देगा, कभी संभव नहीं। इसलिए हमें अपने दुश्मन को सदा त्याग के रखना चाहिए, यानी आलस तो हमारे शरीर में आनी ही नहीं चाहिए। देखे दोस्तों, एक अच्छे विद्यार्थी का लक्षण होता है, पुराने वाला लक्षण जो बताया गया है कागचेष्टा बको ध्यानमल बहारी स्वयं निद्रा गृह त्यागी, वो तो है ही, लेकिन विद्यार्थी में जिसके पास विद्या होती है उसमें विनय होती है। आज के लड़के तो समझाने वाले से ही मुंह लड़ा देते, मतलब, लेकिन ये विद्यार्थी का लक्षण नहीं है। विद्या ददात विनयम, विनयाद यात पात्र ताम पात्र त्वाद धनम अपनोदी धनाद धर्म तथा सुख। विद्यार्थी का लक्षण तो वो है जो विद्या विनय देती है, झुक के रहना चाहिए, जिस तरह से कि फल लगे हुए वृक्ष जो है झुक जाते हैं। विद्यार्थी को चरित्रवान होना चाहिए, विद्यार्थी के अंदर अहंकार बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तभी वो सबका प्रिय हो सकता है और तभी अपने मंजिल को प्राप्त कर सकता है। उसके अंदर क्रोध नहीं होनी चाहिए, जलन की भावना नहीं। जिस मनुष्य के लक्ष्य जो है जितना ही ऊंचा रहता है, उसकी तीर उतना ही ऊंचा जाती है। यदि हम बल भर तीर को खींचते हैं और नीचे की तरफ बल लगाते हैं, तो नीचे की तरफ बल लगाएंगे तो मेरा तीर क्या ऊपर जाएगा, बिल्कुल नहीं। ठीक, तीर तो ऊपर तभी जाएगा, हम ऐसे नीचे की तरफ कितना भी ताने तो तीर नीचे ही जाएगा, लेकिन जब ऊपर की तरफ खींच के मारेंगे तो ऊंचाई पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस मनुष्य का लक्ष्य जितना ही ऊंचा होता है, उसका तीर उतना ही ऊंचा जाता है। तो हमेशा मनुष्य को हमेशा अपने विद्यार्थी जीवन में, चाहे जिस कार्य को कर रहे हैं, हमारे लक्ष्य ऊंचाई तक होनी चाहिए। लक्ष्य विहीन मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, जीवन में कुछ नहीं कर सकता। जिस मनुष्य का लक्ष्य जितना ही ऊंचा होता है, उसका तीर उतना ही ऊपर जाता है। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता होता है। भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि मनुष्य जो है अपने भाग्य का स्वयं विधाता होता है, विधाता उसके भाग्य नहीं लिखते। मनुष्य अपना भाग्य अपने कर्मों से लिखता है। बहुत से लोग ये तर्क देते हैं कि हमारे भाग्य में नौकरी, अरे भाग्य अभी बना कहाँ, भाग्य तो प्रत्येक दिन तुम्हारे कर्मों से तुम्हारी हस्तरेखाएं अपने आप बदलती रहती हैं। दोस्तों ध्यान देना, अगर ऐसा नहीं होता तो आज कोई ज्योतिषी बता दे कि उसका जीवन अच्छा होगा और उस सड़क पे जाके गलती कर दे तो क्या दिन उसका अच्छा जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भाग्य मनुष्य का भाग्य, कहा गया है कि स्त्री के चरित्र मनुष्य के भाग्य को परमात्मा भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो अपने भाग्य को स्वयं बनाता है। एक इंग्लिश के विद्वान ने लिखा है कि लॉ बिफोर द ऑब्जेक्ट, यानी भाग्य कर्म के पीछे जाता है न कि आगे। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा भाग्य बनते जाएगा, प्रत्येक दिन रेखाएं बनती जाएगी। हमने अपने खेतों में फसल न उगाए और कहें हमारे भाग्य में नहीं,
या हमारा बहुत सारा खेत उसमें हमने बीज बुआई ही ना की, कहे कि भाग्य में होगा तो हो जाएगा। अरे कहाँ से हो जाएगा, भाग के भरोसे तो कायर व्यक्ति रहता है, कायर कायर। यदि दुनिया भाग्य पे चलती तो लोग नेता नेता लोग चुनाव नहीं लड़ते, भाग्य में होता तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राष्ट्रपति और नेता सांसद बन जाते। बड़े बड़े लोग अच्छे अच्छे लोग जो कहता है कि भाग्य में है वो कुछ करता नहीं। अच्छे अच्छे लोग अपने लड़के को पढ़ने पढ़ाने क्या जरूरत थी जब भाग्य ही था सब कुछ। तो ऐसा नहीं होता है, भाग्य आपके कर्म के अनुसार बदलता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। भगवान अपने आप से गीता में कहे हैं, कर्मणे वाधि करास्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो असत्व कर्मणि। यानी कर्मणे अधिकारास्ते, कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेशु कदाचन, फल के बारे में स्वयं न सोचो। क्यों ऐसा क्यों कहे, क्योंकि फल तो वो स्वयं देंगे। तू कर्म करो, भगवान बेईमान नहीं है, ऊपर वाले कभी बेईमान नहीं हो सकते। वो तुम्हें कर्म के अनुसार फल अवश्य देंगे। ये भगवान ने भागवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 47 में पूछा है। वो कर्म का फल देंगे ही, वो कभी बेईमानी नहीं कर सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरित्र मानस में क्या लिखे हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस कर नित सही फल चाखा। कर्म प्रधान है इस दुनिया में, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और उसी के अनुसार पूरे विश्व के रखा जाता है। जो जस कर नित सही फल चाखा, जैसा कर्म करोगे ऐसा फल। यदि तूने बल से मंजिल की अपनी तैयारी की तो तुम्हें मंजिल अवश्य मिलेगा। अब मान लो कि मंजिल तुम्हारा जाना है सीधी रास्ता 4 किलोमीटर, तूने अपने सीधे रास्ता न तय करके बीच बीच में एक तुम्हारा दोस्त का घर बन रहा है, थोड़े दूर वहां मुड़ गए, उसी में बीच में थोड़े आगे और बढ़े तो एक दुकान पे दोस्त बैठा है वहां मुड़ गए, थोड़े दूर जाके और एक तमाशा देखने लगे। नतीजा क्या हुआ कि जिस मंजिल पे तुम्हें 2 घंटे में पहुंचना है वहां जाने में 10 घंटे लगेगा। या कहीं ऐसे भी हो सकता है कि रास्ते में ही तुम्हारी रात हो जाए और तू घर को वापस लौट जाओ, यानी तुम्हें मंजिल मिलेगा ही नहीं, ऐसे रहेगा जिंदगी, ऐसे ही बीत जाएगी। तो दोस्तों हमारे कहने का मतलब कि जो तुम्हारा लक्ष्य है उसको साथ के तीर चलाओ। अर्जुन जैसे हो को, अर्जुन से पूछा गया तुम्हें क्या दिख रहा, द्रोणाचार्य जी पूछते हैं कि सभी लोगों को चिड़िया के आंखों में तीर मारनी है, तुम्हें क्या दिख रहा। सब लोग चिड़िया बताए, पत्ते पे चिड़िया बैठी है इत्यादि। अर्जुन तो केवल कहते हैं मुझे तो केवल उसकी आंखें दिखती है, यानी केवल मंजिल ही दिखती है, और जिसको मंजिल दिखेगा उसी को सफलता मिलेगी। तो उस इस तरह के स्थितियों में भाग्य पे न होकर कर्म करें, और मंजिल के लिए सभी आउट साइड दोस्त साथी इत्यादि सबको छोड़ दें। दोस्तों अगर मंजिल प्राप्त करना है, आज के लड़के कहते हैं हम मंजिल प्राप्त करने के लिए लगे हैं। अरे क्या लगे हो, मंजिल जब सीधे रास्ता जाना है, कह रहे हैं कि आइट साइड दोस्त का घर बन रहा है मकान, क्या मंजिल कहने का मतलब हमारा लक्ष्य है अगर नौकरी को हासिल करना, तो हमें अपने किताबों में न व्यस्त रहनी चाहिए कि साइड के रास्ते जैसे बोल रहे हैं कि दोस्त का घर बन रहा है, साइड के रास्ते व्हाट्सएप चलाते रहें, फेसबुक चलाते रहें, ठीक उधर फोन पे बात करते रहे, तो क्या हमारा मंजिल मिल जाएगा। जो लगातार जिसका माइंड अपने कर्तव्य पे है, और तुम अपने कर्तव्य से साइड भाग रहे हो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे दोस्तों थोड़ा उन्हें भी ध्यान दो, जो माँ बाप तुम्हें बहुत आशा से मजदूरी करके नौकरी करके बिजनेस करके रो रो के आते हैं, लेकिन अपने बच्चों के देख के हंसते हैं, और उन्हें जिंदगी भर ये जब से बचपन से पालते हैं एक आशा के साथ कि यही बच्चा मुझे बड़ा होके करेगा, ये कमाएगा, मैं समाज में मस्तक उठा के चलूंगा, क्या उनके दिल को उनके दुश्मन के तरह रगड़ के तोड़ने जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। ऐसे बच्चा होने का अधिकार है जो तुम्हें शर्म नहीं आती। माँ बाप के आशा को, उनके दिल को दुश्मन के तरह मरोड़ना चाहते हो, उनके दिल पे कैसी लगेगी।
क्या वो तुम्हें बचपन से खिलाए हंसाए तुम्हारा कर्तव्य नहीं है कि उनके चेहरे पे हम हंसी ला दें? क्या वो अपने संतान को सुखी संपन्न देखेंगे तभी उनके चेहरे पे हंसी आ सकती है? ऐसे तुम उनके चेहरे पे हंसी नहीं ला सकते। बहुत से लोग कहते हैं कि अब माँ बाप भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्या वो नहीं चाहते कि तुम्हारी नौकरी हो? ऐसा नहीं, उनका विश्वास टूटते जा रहा है। और वो कौन तोड़ रहा है? तुम स्वयं इसके जिम्मेदार हो। तुम उनके आंखों के सामने देखते हो कि इधर उधर दौड़ते चलते हो, उधर उधर के बातें कर रहे हो, इसलिए वो तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि तुम कुछ करो नहीं तो तुम बेकार हो जाओगे। वो इसलिए बोलते हैं ताकि आपको लगे कि अब हम बोझ हुए हैं, ताकि आप अपने मंजिल को प्राप्त करें, इसलिए नहीं कि आप बेकार हो जाएं। माँ बाप से बड़ा तो कोई होता ही नहीं बच्चों के लिए, वो तो सब होते हैं। देखिए, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, कोई कहता है कि बिना पढ़े उसे कुछ मिल गया, ये क्या संभव है? विद्या ऐसा धन है या विद्या और धन हो कि ये बिना मेहनत के किसी को मिला नहीं है तो तुम्हें कहां से मिलेगा? विद्या धन उदम बिना कहो जो पावे कौन, अब बिना डुलाए ना मिले जियो पंखा की पौ। यदि बांस की पंखे की हवा लेनी हो तो बिना डुलाए ना नहीं मिलती है, उसी प्रकार से विद्या रूपी धन आज तक किसी को बिना परिश्रम के मिला नहीं है। परिश्रम करो तो अवश्य ही मिलेगा, बिना डुलाने पे हवा तो जरूर मिलेगी। कहा गया है यदि जंगल का राजा सिंह भी समझ जाए, वो जंगल का पूरा राजा है, सोचे हम तो राजा है, बैठे बैठे हमें भोजन मिल जाए, तो क्या उसे मिल सकती है? कभी कोई मृगा कोई शिकार उसके मुंह में आ सकता है? नहीं आएगी। उदमे ना ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशान्ति मुखे मृगा। उदम के बिना कोई भी कार्य और मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, न कि सोए हुए सिंह के मुंह में स्वयं मृगा प्रवेश कर सकती। तो जब जंगल के राजा को नहीं मिल रहा है सोए, तो तुम्हें क्या बैठे बैठे मिल जाएगा मंजिल? कभी नहीं मिल सकता। जब तक कर्म नहीं करोगे, भगवान कहते हैं तू कर्म करो, फल की चिंता ना करो, फल तो देने वाले मैं हूं। यदि तुम कर्म करोगे तो ऊपर वाले किसी से बेईमानी नहीं कर सकते, उनका एक सीमा है कि कितना तुम करोगे उतना वो फल देंगे। देखिए, कौन कहता है? लोग कहते हैं कि हमें मार्गदर्शन अच्छा नहीं, हमें कोई बताने वाला नहीं। अरे एकलव्य को कौन बताने वाला था? सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी। जो कर्मठ व्यक्ति है उसके लिए कोई बताने की आवश्यकता नहीं, वो अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त कर लेता है। ठीक, और भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं। भगवान भी केवल उन्हीं की सहायता करते हैं जो मनुष्य अपने आप की सहायता करने के लिए स्वयं तैयार है। ये भगवान अपने मुख से कहे। देखिए, ध्यान दीजिए, यदि कोई एक अच्छा तेज लड़का वो कहे हे भगवान मेरा रिजल्ट ला दो, नमस्कार करके जाता है, तो उसका भगवान खुल के साथ देंगे। आ एक जो पढ़ा लिखा नहीं बहुचट है, वो कहे भगवान हमारा रिजल्ट ला दो, पटक पटक के मंदिर पे सर फोड़ ले, क्या भगवान उसका साथ देंगे? कभी नहीं साथ देंगे। भगवान कभी कायरों का साथ नहीं देते हैं, ध्यान रखना। मनुष्य अपने भाग्य का जब स्वयं विधाता होता है तो जो अपना भाग्य बनाएगा, कर्म करेगा, उसी का साथ देंगे। दोस्तों, मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन किसको काम करती है? जिसके अंदर अपनी पानी हो, उत्सुकता हो, लग्न होनी चाहिए, बच्चों में जुनून होनी चाहिए। और कभी भी अपने मंजिल पे जाने वाले व्यक्ति मंजिल से पीछे भाग जाता है अपना, जैसे लड़ाई के मैदान में जो पीछे भाग, उसकी जीवन में कभी प्रशंसा नहीं हो सकती। लोग हमेशा कहेंगे तू भी पढ़े, क्या कर लिए, क्या पढ़े हो हम जानते हैं, मूढ़ मस्तक उठा के नहीं बोल सकते हो कि मैंने ये कर दिया। इसलिए कायर न बनो दोस्तों, आप करके दिखा दो कि क्या होता है जमाने को, पानी में आग लगा दो पेट्रोल जैसे, करके दिखा दो, उस माँ बाप के मुंह पे हंसी ला दो जिन्होंने तुम्हें पाल के आशा रखा है, जिन्होंने तुम्हें बचपन में हंसाया है, उसके मुख पे हंसी ला दो, जो तुम्हें देख के जलते हैं उन्हें खुर के चला दो, जान जाए वो भी कि क्या आग की शक्ति होती है, क्या आग की लपटें होती है, आग के लपटों जैसे चला दो दुश्मन, अपना मंजिल ऐसे पकड़ लो, इस तरह से
चीरते हुए चले जाओ जैसे तीर जाता है, और मंजिल को हासिल करके दिखा दो, दुनिया तुम्हारे नाम लेगा। पीछे वाले बच्चे जो आ रहे हैं जान, वो तुम्हारा उदाहरण पेश करें। दोस्तों, तुम्हें इतना ही चाहिए, उस माँ बाप के चेहरे पे यदि हंसी लानी है, अपने जीवन को यदि सफल बनाना है, कोई स्थितियां परिस्थितियां बाधक नहीं होती। अपने जुनून पे आके तो देखो क्या होता है। सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है उस पुरुष को जो अपने कर्तव्य पे अमल करे, कर्तव्य पे डटे रहे। कायर के लिए कोई भी चीज संभव नहीं है दोस्तों। आज ही से लग जाओ, देखो होगा क्यों नहीं। हर चीज संभव होगा, भगवान किसी की मजदूरी मारते नहीं। हर चीज होगा, केवल करके तो देखो। जो तुम्हारे लिए हंसते हैं आज, हंसी उड़ाते हैं कि देखो क्या होता है, तरह तरह के बातें करते हैं, उनकी मस्तक झुक जाएगी। और जिस दिन तुम ऐसा नहीं किए, उसके सामने पड़ने पे तुम्हारी मस्तक झुक जाएगी। अरे क्यों माँ बाप के गलानी की हो, इतनी पैसे उड़ा लिए, उनके आशा को मस्तक, उनकी आशा को बुड़ा रहे हो। क्यों ना बचपन में ही रख दिए किताब कापी की, माफ कीजिए अब नहीं पढ़ेंगे। अरे क्यों समाज के नाम हंसवा रहे हो। दोस्तों, एक बार करके तो देखो क्या नहीं होता है। हर चीज होती है, हर चीज होगी। एक बार अपने पे आके देखो, तुम्हारे अंदर कितनी पानी है, तुम्हारे अंदर कितनी दम है। आदमी की मन टूटता है, कब टूटता है, अंतिम चरण में टूटता है। दौड़ने वाले एक धावक की मन, लेकिन वो अंतिम चरण में, जब अंतिम चरण में उसकी दम टूटने लगती है, तब वो क्या करता है, वो तो जो निकल जाता है वो तो कायर हो जाता है, लेकिन जो शॉट खींचता है अंतिम में, जब बल टूटने लगे तो शॉट खींचनी चाहिए। जब तुम्हारा परीक्षा पास में आ रहा है, तुम्हारे मन हट रही है, जब मन हट रहा है समझ लो सफलता नजदीक है, भगवान की परीक्षा, और शॉट लगाओ। हम कहते हैं निश्चित तुम्हें सफलता मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, क्या बताएं, उन माँ बाप के चेहरे पे हंसी ला दो। अपने जीवन को यदि सफल बनाना है तो बना दो। ये 2 वर्ष की मेहनत, 1 वर्ष या 2 वर्ष की मेहनत तुम्हारे जीवन को पलट देगा। एक बार उसको आईना में देखो, जीवन कैसा होगा। नहीं तो जीवन भर ये अफसोस तुम्हारे मिट्टी में रहेगी और कभी भी दिल से निकल नहीं सकती। इस 2 साल के दुख नहीं करोगे तो जीवन भर दुख करना होगा। चाहे 12 घंटा प्राइवेट काम करो, चाहे किसी का गुलामी खटो, चाहे अपने बिजनेस में दिन से रात लगाओ दोस्तों। और उनकी उम्र को तुम घटा दोगे जो माँ बाप तुम्हें हंसाए। दोस्तों, जरा सा भी यदि उनकी ख्याल हो तुम्हें, जरा सा उनकी ख्याल हो, अपने जीवन के ख्याल हो, और तुम्हें जो लोग हंसे हैं उनकी जरा सा भी ध्यान हो, तो दोस्तों हम आपसे आग्रह करेंगे कि आज से आप सब कुछ भूल के व्हाट्सएप, फेसबुक, समाज, देश, दुनिया, एक अपने मंजिल के लक्ष्य बना के लग जाइए। देखिए सफलता कौन रोकता है, किसी की ताकत नहीं है जो रोक सकती। धन्यवाद। यदि मेरा बहुत मोटिवेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। लेकिन दोस्तों, हम यही कहेंगे कि एक बार लग के देखिए और फिर दोबारा हम आपका मोटिवेशन करेंगे, यदि आप में थोड़ा भी पानी हो। धन्यवाद।